सुधीर चौधरी जैसे लोग, अमन चोपड़ा जैसे लोग, गुल्लू देवगन जैसे लोग, इनको किसी को शर्म नहीं है। तो आज मणिपुर बर्बाद हो गया किसके कारण? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो हैं कि इन्होंने अपने गुरु को भी नकार दिया। कि अगर तुम गोडसे भक्त हो तो ये हिंदुस्तान की जनता को बताओ, फिर गांधी के सामने सर झुकाना छोड़ दो। और सबसे बड़ा जो दोष उसका था कि वो एक मुसलमान था। क्रांतिकारियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 1000 दिन जेल में गुजार के आए कि 2000 दिन जेल में गुजार के आए। ये सरकार जब कोई भी फैसले लेती है तो उस फैसले के पीछे एक मोटा मोटा एजेंडा होता है। और एक बहुत बड़ा तबका CNRC के खिलाफ था, हम भी उसके खिलाफ थे, आज भी हम उसके खिलाफ हैं। राजनीतिक रंगमंच का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कब बहरूपिया बन जाना है, कब जनता को ठगना है, कब किसी को छलना है, कब झूठ बोलना है, कब जुमला देना है, ये खेल बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी जानते हैं। जयशंकर साहब को तो जो है मैं सीरियसली ही नहीं लेता हूँ। हमारा भाई क्रांतिकारी है और जिस क्रांति के भाव से वो जेल के बाहर था उसी क्रांति के भाव से जेल के अंदर है, और बहुत जल्द वो छूट करके बाहर भी आएगा। आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। आज उमर खालिद को जेल गए हुए 1000 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनके पक्ष में या सरकार की तरफ से कुछ भी उनके सपोर्ट में, उनके समक्ष, उनके समर्थन में कोई भी आश्वासन नहीं आया है। तमाम लोग उनके समर्थन में आज आए, रवीश कुमार भी आए और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं सब लोग यहाँ पे प्रेस क्लब में उनके जो 1000वां दिन जो लोग यहाँ पे मना रहे हैं, उनके पिता भी यहाँ पर आए थे कि 1000 दिन हो गए हैं। उसमें मेरे साथ गोपाल तिवारी जी अभी मौजूद हैं और ये इस मामले को लेके क्या कुछ कहेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, 1000 दिन हो गया है और अभी तक इनके समर्थन में कुछ भी नहीं आया है? देखिए, आज उमर खालिद को जेल गए हुए 1000 दिन पूरे हो गए और ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ऐसा कोई मामला था, ना ऐसा कोई उन्होंने जुर्म किया था। सिर्फ बोलते थे, अन्याय के खिलाफ बोलते थे, अत्याचार के खिलाफ बोलते थे, शोषण के खिलाफ बोलते थे। और उन सब चीज़ों को हमारे भारत की जो मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, जो कि आजकल गोदी मीडिया पहले कहा जाता था, वास्तविकता में वो तब्दील हो चुकी है, उसने एक कल्पना की कि उमर खालिद मुसलमान हैं। और मुसलमान से लेकर के जो उसने कल्पनाएं की वो उसने धीरे धीरे करके वास्तविकता में तब्दील कर दी। और ये शासन, ये प्रशासन, ये न्यायपालिका, तमाम लोग उस गोदी मीडिया के पक्ष में खड़े हुए, और जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो बेबाकी से बोलता है, जिसका जुर्म बस इतना था कि वो अपने लोगों के लिए शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ मुखरता से खड़े रहता था और अपनी आवाज़ को उठाता था, उसका सिर्फ इतना ही दोष था। और सबसे बड़ा जो दोष उसका था कि वो एक मुसलमान था, जिसकी वजह से आज 1000 दिन पूरे हुए उस व्यक्ति को जेल में। आज तक तमाम वो लोग, हमारे जैसे तमाम पत्रकार, रवीश कुमार जैसे लोग, बहुत से लोग उनके पक्ष में लगातार खड़े रहे और आगे भी हम लगातार खड़े रहेंगे। क्योंकि क्रांतिकारी जो होते हैं, क्रांतिकारियों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1000 दिन जेल में गुजार के आए कि 2000 दिन जेल में गुजार के आए। उनको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब हम अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़े थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, इस दमनकारी सरकार ने, दमनकारी नीति ने, न्यायपालिका ने हमारे साथ ना खड़े होकर, इस देश में एक ऐसी सोच के साथ खड़े होकर के जब हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया तो हम डरे या फिर भी हम मुखर रहे। तो उमर खालिद के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जेल जाने के बाद आज भी कई उनकी तस्वीरें जब बाहर आती हैं या एक दो बोल उनके जब बाहर आते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि वो जिस क्रांति के साथ, जिस सोच के साथ गए थे पहले दिन, आज 1000 दिन पूरे होने के बाद में भी उसी हौसले के साथ अंदर है और बहुत जल्द वो बाहर भी आएंगे। मुझे जितना पता है कि CNRC के विरोध में वो थे और अभी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में भी CNRC होना चाहिए क्योंकि दूसरे देश के लोग आ चुके हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, CNRC के विरोध में सिर्फ वही नहीं थे, हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका उसके विरोध में था। क्योंकि सरकार की वो चाल थी, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सरकार जब कोई भी फैसले लेती है तो उस फैसले के पीछे एक मोटा मोटा एजेंडा होता है, और वो एजेंडा होता है जनता को गुमराह करना, एक अलग तरीके का नैरेटिव इस देश की मीडिया को देना, उस पर एक अलग तरीके की बहस करवाना, और उस बहस में देश की जनता को उलझाकर
झूठ और जुमले को सत्य और हकीकत बता करके वोट ले लेना, वापस सत्ता पर काबिज होना, ये उनका एक मोटा मोटा नैरेटिव रहता है। तो एक बहुत बड़ा तबका CNRC के खिलाफ था, हम भी उसके खिलाफ थे, आज भी हम उसके खिलाफ हैं, कल भी हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो इनका एजेंडा तो इनका स्पष्ट था, और ऐसा नहीं कि उमर खालिद ही उसके सिर्फ खिलाफ थे। जैसे मुसलमानों की आप कहें कि मुसलमान है इसलिए वो जेल में, लेकिन मुसलमान से खास दुश्मनी नहीं है प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो दरगाह भी जाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तमाम चीज़ें, तो वो तो धर्म को जोड़ने के काम करते हैं। आप उनकी तो बात कीजिए ही मत, इतना बड़ा कलाकार राजनीति में शायद ही कोई पैदा हुआ हो और शायद ही कोई पैदा होगा। रंग राजनीतिक रंगमंच का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कब अलग अलग उसे रूप धारण करने हैं, कब बहरूपिया बन जाना है, कब जनता को ठगना है, कब किसी को छलना है, कब झूठ बोलना है, कब जुमला देना है, ये खेल बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी जानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की जनता कह रही है। हिंदुस्तान की जनता को भी तो ठगा है आपने, आपने हिंदुस्तान की जनता को ठगा, सारे इंस्टीट्यूशन उनको ठगा, सारे इंस्टीट्यूशन को ठग करके आपने किसी ठग के हाथ में बेच भी दिया। आपने इस देश की जो पत्रकारिता थी, जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसको आपने धराशायी किया, एक ऐसी चोट की कि वो सब मानसिक गुलाम बन गए, मानसिक गुलाम बन गए। उदाहरण के तौर पर बुलंदशहर का केस याद होगा, 2-3-4 दिन पहले की बात है, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक कल्पना की, और कल्पना में अंधाधुंध जो उल्टी सीधी खबरें उसने चलाई कि वो मूर्तियाँ तोड़ी गई, वो एक विशेष वर्ग को लेकर के उसने एक नरेटिव अपने दिमाग में सेट किया और चला दिया। वो तो शुक्रगुजार है बुलंदशहर की पुलिस को यह एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उसने जांच पड़ताल की, मूर्ति तोड़ने वाले कौन लोग निकले, किस धर्म के निकले, किस जाति के निकले, ये सब खुलासा होकर के सामने आया। तब भी इनको शर्म नहीं है, सुधीर चौधरी जैसे लोग, अमन चोपड़ा जैसे लोग, गुल्लू देवगन जैसे लोग, इनको किसी को शर्म नहीं है। हाँ हाँ, वो जो भी गुल्लू देवगन है, उनको तो बंदर भी कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, तो ये सब वही तो है। अभी मणिपुर को लेके आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके की हालत पहले हुई थी शाहीन बाग में, उसी तरीके की हालत अभी मणिपुर में भी है। अमित शाह भी गए हैं, तमाम आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है जो मौत का सिलसिला है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पहले आपने 1 महीने तक तकरीबन मणिपुर को जलने दिया, और जब वो इस कदर जल गया कि वहाँ अगर आप कुछ बचाने के लिए जाते हैं तो बचा करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इस कदर जल गया वो, हिंसाएं भड़क गईं, आगजनी हो गई, सब 1 महीने बाद गया। और इसीलिए जब मैं क्रेडिट जी भी कहता हूँ तो मैं गलत नहीं कहता, आज मणिपुर बर्बाद हो गया किसके कारण, नहीं कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और किसी भी राज्य के बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जनता के बीच, प्रधानमंत्री के बीच कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हर मामले में, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानपुर की हिंसा हो, चाहे महाराष्ट्र में हिंसा हो, चाहे वो बिहार में हिंसा हो, जो रेलवे की परीक्षा के लिए जब बच्चे निकले, चाहे वो उड़ीसा का रेल हादसा हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो उन्नाव का विवत्स मामला हो, चाहे वो लखीमपुर का टेनी कांड हो, चाहे वो महिला पहलवान के शोषण का मामला, हर मामले में इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और ये सारे जो मामले हैं, इसकी कमी किसकी है, किसकी कमी की वजह से ये हो रहा है? कांग्रेस इसमें, कांग्रेस में इसमें सहभागिता नहीं है कांग्रेस की? किसी बहन के साथ जब शोषण होता है उसमें कांग्रेस बीजेपी होता है क्या? जैसे कि मुसलमानों की बात सुनिए, बजरंग दल को बैन करने की बात कही, कर्नाटक में बैन कर देंगे और जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां वहां बैन कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को उसी वक्त बैन करना चाहिए था, अगर पहले बैन कर दिया होता तो आज इतना हम लोग बर्बाद नहीं होते। देखिए, और अभी तो एक सवाल और, अभी तो बजरंग दल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिल गया है बजरंग दल। देखिए, ये तमाम तरीके की अफवाहें हैं, तमाम तरीके का नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से चलाती है। आज जो महिला पहलवान खिलाड़ी थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ से गए हैं, और खबर क्या चला दी गई है कि वो समझौता करने के लिए गए। तो इस तरीके के नैरेटिव जो है ये लगातार मीडिया चलाती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस समय राहुल गांधी जैसे तमाम ऐसे वरिष्ठ लीडर हैं जो गांधीवादी सोच के हैं,
जिन्होंने गांधी से शिक्षा दीक्षा लेकर के हिंदुस्तान की राजनीति को देखा है और उसी को लेकर के आज आगे चल रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति जिनके हाथों में है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है, और ये भी कहना गलत नहीं है कि गांधी की सोच जैसी सोच रखने वाले लोगों के हाथों में है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी वो गोडसे विचारधारा के लोग हैं, गोडसेवादी लोग हैं, गांधी के हत्यारे गोडसे को वो पूजते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं। उत्तराखंड के पूर्व उत्तराखंड यहाँ पे काटना चाहूंगी गोपाल जी, क्योंकि आपने नहीं जा आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है, कनाडा में फिर से इंदिरा गांधी के मौत को मैं फिर वही से कह रहा हूं, मैं वही बात पूरी कर रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो गोडसे को लेकर के क्या बोलते हैं, गांधी को लेकर के क्या बोलते हैं, स्वयं अमित शाह ने गांधी को लेकर के क्या बोला, तमाम लोग। तो सबसे पहले तो आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी, एक लाइन देनी पड़ेगी। या तो आप पूरी तरीके से नाथूराम गोडसे को मान लो और गांधी को नकार दो, या तो फिर गांधी को मानो तो फिर गोडसे को नकार, हिंदुस्तान को समझाओ इस बात को। मैं कहता हूं कि अगर तुम गोडसे भक्त हो तो ये हिंदुस्तान की जनता को बताओ, फिर गांधी के सामने सर झुकाना छोड़ दो, माल्यार्पण करना छोड़ दो, फिर तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाता उनपे, नोट से भी हटा दो हर जगह से, जब तुमको पसंद ही नहीं करते, ताकि हिंदुस्तान की जनता को पता तो चले कि कौन सी विचारधारा की सरकार इस देश में है। बहुरूपीय मत बनो, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो बार बार। इंदिरा गांधी को लेके जब वहां पे कनाडा में किया गया खालिस्तानियों के द्वारा, तो उस पे एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने फटकार भी लगाई कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो उनको, जयशंकर साहब को तो जो है मैं सीरियसली ही नहीं लेता हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने की औकात तो है नहीं। आप एक विधायकी एमपी चुनाव को जीतने, वो तो खैरात में आपको विदेश मंत्री का पद मिला है, मोदी जी ने दिया है, आपके मंत्री जी ने, आपके प्रधानमंत्री जी ने आपको खैरात में दिया है, और वो खुद प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के गांधी जी का सम्मान करते हैं कि नहीं, और जिसको आप कोट करके राहुल गांधी के बारे में आप कह रहे हो, वही आपका प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के इस तरीके की राजनीति की शुरुआत बहुत समय पहले कर चुका है। सबसे पहले विदेशों में जाकर के भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उसका उपहास उड़ाने का काम किसने किया, मोदी जी ने किया, राहुल जी ने किया, आज तो राहुल जी कर रहे हैं, और जबकि पहले किसी ने किया, अभी कर रहे हैं, जबकि तो राहुल जी ने जो कहा अगर उसमें कुछ गलत हो तो बता दो। आपने उपहास उड़ाने पहले किसने कहा, तो दोबारा दूसरी बार में कांग्रेस कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो एक बात उन्हें समझा रहा हूँ जयशंकर साहब को, राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा हो तो बता दो आप मुझे। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने भी बिठा दो तो भगवान को समझा क्या गलत कहा, बिल्कुल सही कहा। आज तो अगर उनको भगवान के सामने बिठा दो तो वो उनको भी इस बात को समझाने में सफल रहेंगे कि ब्रह्मांड देखो किस तरीके से बना है, दूसरा ब्रह्मांड किस तरीके से बन सकता है, इस ब्रह्मांड को बनाने में नरेंद्र मोदी की कितनी योगदान था ये भी समझा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो है, इस लेवल से ही तो चल रहे हैं, और वो तो खुद स्वयं अपने आप को भगवान मानते हैं, और हो सकता है कि जिस दिन उनकी भगवान के साथ मुलाकात हो भगवान को नीचे बैठना पड़े उन्हें ऊपर बैठना पड़े, इसमें भी कोई तो बात अपनी कह रहे हैं कि मंदिरों में जाते हैं तो वो ब्राह्मणों से ऊंचा पीढ़ा लगवाते हैं, इसीलिए वो आज देखिए हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में कहीं राम स्थापित हैं, कहीं कृष्ण स्थापित हैं, कहीं शंकर स्थापित हैं, तो वो जगह भी नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती, वो हर जगह चाहते हैं कि उनकी जगह हमारी मूर्ति होनी चाहिए, द्वारपाल पे गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए। ऐसी ही विचारधारा चल रही है देश में, क्या लग रहा है अभी इस मुद्दे पे आते हैं। रही बात इंदिरा गांधी की, आपने बात की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं भारत की, और एक मिनट, प्रधानमंत्री रही हैं भारत की, जब सुरक्षा एजेंसी जो उनकी थी उनको लेकर के किसी ने उनको आगाह किया है कि आप अपने जो है ये जो सुरक्षा कर्मी इनको बदल लीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये वापस ले लिए, चेंज करके दूसरे ले लिए, तो ये मैसेज अच्छा नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि फिर सद्भावना का जो मैसेज है, और उन्होंने कहा कि हमारी जान इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हिंदुस्तान के लिए, सद्भावना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर विदेश में कुछ विदेशी ताकतें उनका अपमान करती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम सरकारों के लोग मौन रहते हैं, ये भी एक तरीके से देश के साथ धोखा है, छलावा है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इस पे। कुछ लोग इंदिरा गांधी और मोदी जी को कंपेयर करते हैं कि दो ही लोग हुए, एक इंदिरा गांधी और एक मोदी जी, जो राजनीति में अव्वल है। देखिए इस देश में न जाने कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री चले गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो हैं कि इन्होंने अपने गुरु को भी नकार दिया, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ नहीं मानते हैं, जो वास्तव में नेता थे, जिनको हर पार्टी के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग मानते थे, आज तक किसी एक व्यक्ति ने गलत टिप्पणी नहीं की उनके ऊपर, क्यों
क्योंकि नेता थे वो, झूठे नहीं थे वो, जुमला जी भी नहीं थे, फेकू नहीं थे वो, प्रचार मंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। आज देश में जो है, हमने चुना तो प्रधानमंत्री था लेकिन वो जो है ठेकेदार निकला, और इसीलिए हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को ठेके पर देने में आखिरी सवाल जो उमर खालिद की बात हम कर रहे हैं, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, तो उमर खालिद को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अगर सच बोलने की सजा ये होती है तो कब तक लड़नी पड़ेगी? सच बोलने की कीमत तो हमें चुकानी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगत सिंह ने चुकाई, चंद्रशेखर आजाद ने चुकाई, सुभाष चंद्र बोस ने चुकाई, गांधी जी ने चुकाई, नेहरू ने चुकाई, तमाम लोगों ने चुकाई। तो सच की लड़ाई जो होती है बड़ी लंबी होती है और गंभीर होती है। तो उमर खालिद भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा भाई क्रांतिकारी है, और जिस क्रांति के भाव से वो जेल के बाहर था उसी क्रांति के भाव से जेल के अंदर है, और बहुत जल्द वो छूट करके बाहर भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ थे गोपाल तिवारी, हम इनसे बात की, उन तमाम मुद्दों पे बात किया जो आजकल देश में चल रहा है। आज उमर खालिद को जेल में गए हुए 1000 दिन हो गए हैं, और उनके समर्थन में रवीश कुमार तमाम लोग यहाँ पे आए थे और सबने उनको समर्थन दिया, और उनके साथ जो हुआ उनके खिलाफ सबने जमकर बोला है। और आपको क्या लगता है कि उमर खालिद को कब तक जेल में रहना पड़ेगा? क्या ये देश सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? ये सवाल उठा रहे हैं लोग, तमाम लोग। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।